बीते दिनों मंदसौर जिले के रहने वाले सालिग्राम नामक व्यक्ति की हत्या के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि कुछ आरोपी अभी भी फरार हैं, जिन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घटना का खुलासा करते हुए सीएसपी राकेश मोहन शुक्ला ने बताया कि शालिग्राम तंत्र मंत्र से धन दोगुना करने का गोरख धंधा करता था और इसी चक्कर में तलावदा के ओम प्रकाश से उसने 14 लाख रुपए लिए थे। ओम प्रकाश द्वारा लगातार पैसों की मांग की जा रही थी, लेकिन शालिग्राम उसे झांसा दे रहा था। परेशान होकर ओम प्रकाश ने अपने साथी अर्जुन गुर्जर, दिनेश प्रजापति, श्यामलाल कुमावत के साथ मिलकर उन्होंने योजना बनाई और योजना बनाकर उसे पार्टी के लिए चौतखेड़ा स्थित खेत पर बुलाया, जहां उसके साथ उन लोगों द्वारा मारपीट की गई। बाद में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसके उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में साक्ष्य कथनों के आधार पर इस पूरे हत्याकांड का खुलासा किया। हत्याकांड के मामले में शेष आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सालिग्राम ब्राह्मण को दिनांक 13 तारीख को जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था अज्ञात व्यक्ति द्वारा। उस संबंध में पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के आधार पर 302 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। उस मामले में मुखबिर की सूचना के आधार पर सबसे पहले ओम प्रकाश गुर्जर को गिरफ्तार किया गया था और ओम प्रकाश गुर्जर की निशादेही से घटनास्थल देखकर और घटनास्थल का सारा कार्रवाई की गई। आज एक आरोपी श्यामलाल कुमावत को गिरफ्तार किया गया है। श्यामलाल कुमावत से जो मोटरसाइकिल है वो जब्त कर ली गई है और श्यामलाल ही वो व्यक्ति था जो कि सालिग्राम को जख्मी अवस्था में अस्पताल में छोड़कर गया था। उस संबंध में भी सभी साक्ष्य एकत्रित कर लिए गए हैं। चश्मदीद साक्षी भी पुलिस को उसमें उपलब्ध हो गया है और उसकी प्रकरण की विवेचना प्रगति पर है और अभी ओम प्रकाश गुर्जर और श्यामलाल कुमावत दो व्यक्ति गिरफ्तार हो चुके हैं। और भी कोई उसमें अभी जो हमारे पास साक्ष्य आया है उसमें दो अन्य व्यक्ति और शामिल हैं। इस प्रकार कुल 6 व्यक्तियों द्वारा यह हत्या का अपराध किया गया है। 2 आदमियों के भी नाम बढ़ा दिए गए हैं और विवेचना चल रही है। इसमें कई टीमें काम कर रही हैं और सारे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और अन्य साक्ष्य को सम्मिलित करते हुए एक पुलिस अधीक्षक श्री सूरज कुमार वर्मा साहब के निर्देशन में एक संगठित टीम द्वारा अच्छी विवेचना